हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं BCC 2015 के बायोलॉजी पेपर का डिस्कशन कराऊंगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से इस बार कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न? तो इसका आंसर होगा सी, एडियंटम। एडियंटम जो है टेरिडोफाइट क्लास में आता है, सॉरी क्लास नहीं, डिवीज़न, टेरिडोफाइट डिवीज़न में आता है ये। और उसमें 4 क्लास होते हैं, उसमें से एक क्लास टेरोप्सिडा कहलाता है, और टेरोप्सिडा क्लास में ये एडियंटम आता है। तो आंसर जो इसका सी होगा, एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कैल्सी फ्लोरी? तो कैल्सी फ्लोरी के अंदर जो है 5 ऑर्डर्स और 27 फैमिलीज आते हैं। उसी फैमिलीज में एक फवेसी होता है, और फवेसी का ऑर्डर जो होता है वो रोजेल्स होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, आंसर इज ए, रोजेल्स। विच वन इज नॉट ए फ्री लिविंग प्रोटोजोआ? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, गार्डिया। गार्डिया जो वो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी सभी फ्री लिविंग हैं। नोक्टोलिका जो है वो डायनोफ्लैजेलेट में आता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ होलोफाइटिक प्रोटोजोआ? तो इसका जो आंसर होगा वो यूग्लिना होगा, होलोफाइटिक प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ स्पॉन्जेस? तो इसका जो लेंथ होगा स्पॉन्जेस का वो बी होगा, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है इसका लेंथ, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटोडियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो पोटोडियन जो इसका एग्जाम्पल जो वो पॉडिफेरा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए सिनिडेरियन? तो इसमें से कौन सा सिनिडेरियन नहीं है? तो ये जिसका आंसर होगा वो डी होगा, बिरोई। बिरोई जो वो टेनोप्लाना को कहते हैं, टेनोफोरा को कहते हैं, बिरोई जो है वो टेनोफोरा को कहते हैं, बाकी सब तो सिनिडेरियन, ओबेलिया हुआ, जेलीफिश को हम सब ओरेलिया कहते हैं, तो जेलीफिश भी निडेरियन ही है, सी एनिमो ये भी निडेरियन है, तो यहाँ पर जो बिरोई जो है वो सिनिडेरियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड हुक वॉर्म? हुक वॉर्म को जो है हम लोग एनसाइक्लोस्टोमाटा कहते हैं, आंसर जो है वो ए होगा, एस्कलमिंथिस में आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम एनिडिड्स इंक्लूड्स ओवर? तो एनिडिडा का जो फाइलम जो उसमें 9000 स्पेसीज होता है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दिस ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन? तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, मॉइस्ट स्किन जो होता है वो अर्थवॉर्म में होता है, आंसर जो है वो ए होगा, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिस हैज माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन अपर साइड? तो इसका जो आंसर, अच्छा ये जो स्टेटमेंट जो है ये इकैनोडर्म में है, ये स्टेटमेंट जो है इकैनोडर्म में आता है, ये डायरेक्ट एनसाटी का स्टेटमेंट है इकैनोडर्म का। तो इसका जो आंसर वो सी अर्चिन होगा, इकैनोडर्म का एग्जांपल है ये सी अर्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एक्सोक्वाइटस। फ्लाइंग फिश जो है वो एक्सोक्वाइटस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश? तो इसका आंसर होगा ए, पॉम्फ्रेट। कालबासु, कतला और रोहू जो है वो मेराइन होता है, और ये जो है पॉम्फ्रेट जो होता है वो फ्रेश वाटर फिश नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिट इन लीम यूज फॉर वॉकिंग बाय रेप्टाइल्स? तो नंबर ऑफ डिजिट जो होता है इन लीम रेप्टाइल्स में वो 5 होता है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन बर्ड्स? तो बर्ड्स में जो है वो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व होता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओपोजेबल थंब? तो ओपोजेबल थंब जो है वो
लेमूर में होता है। आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज होली और पार्टली लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई। ये तो आप लोग को भी पता होगा, इसका आंसर ईमू है, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी यूजेस एक्रिडाइन ऑरेंज। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सेडिमेंट फ्री राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन रिक्वायर्स 300,000 ग्राम होता है, इतना रिक्वायर होता है राइबोसोम के सेडिमेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका जो आंसर होगा वो सीजियम क्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिस टेक्निक सेपरेट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिकुलर वेट। जहां पे सेपरेट लिखा था वहां पे जेल फिल्ट्रेशन होगा, जेल फिल्ट्रेशन का काम ही होता है सेपरेट करना। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, जेल फिल्ट्रेशन। विच एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर डी होगा, लाइसोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है इसमें, इसका आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ सेल कैन कंटेन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो इसका आंसर है बी, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 24, दिस कैन बी सराउंडेड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, सल्फर ग्रैन्यूल्स। ये जो सिंगल लेयर में होता है, आंसर ए होगा, सल्फर ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बेसल बॉडी रिंग्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में जो है वो दो रिंग होता है इसमें, इसका आंसर जो है वो बी होगा। यदि ग्राम निगेटिव रहता तो उसमें चार रिंग होता है, एल पी एस एम। इसमें जो है ग्राम पॉजिटिव में जो है, ग्राम पॉजिटिव सेल में जो है वो उसमें दो रिंग पाया जाता है, आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फिलामेंट इन फ्लैजिलम कैन रोटेट बाय। तो ये कितना से रोटेट करता है, कितना डिग्री से? तो दोस्तों इसका आंसर 360 होगा, 360 डिग्री से रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेन हाइड्रोलेज। तो इसका जो आंसर होगा वो फूड होगा, सी। विच कंटेंस क्रिस्टा, इसमें क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है डी होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन्स विच हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड। इसका आंसर चैप्रॉन्स होगा, ए। दोस्तों आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टिक पॉलीसेक्राइड आर प्रेजेंट इन। तो पैक्टिक पॉलीसेक्राइड जो होता है वो प्राइमरी सेल में होता है, आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिज एंटीबायोटिक्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रिप्टोमाइसिस। इसका जो आंसर है वो ए होगा, बेसिट्रासीन, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिग साइकोनस होता है, फिग इज अ साइकोनस, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टोमाटल पोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द लीफ सरफेस आर इन द रेंज ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 1000 से 60,000 होता है। विच आयन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोमाटल ओपनिंग। पोटासियम का रोल होता है इसमें, स्टोमाटल ओपनिंग में, सी होगा इसका आंसर। ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपीआर यूज इन फिक्सिंग वन मोल ऑफ N2। 16 होता है, 16 मोल, आंसर जो है वो बी होगा,
16 मोल ऑफ एटीपी में यूज होता है। इन रिडक्टिव एमिनेशन द प्रोडक्ट इज, द प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्लूटामेट बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड को, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड प्लस अमोनिया को जब रिएक्ट करवाते हैं तो फिर जो यहाँ पे ग्लूटामेट देगा वो, तो आंसर जो है वो सी होगा, रिडक्टिव एमिनेशन में ये। फोटो रेस्पिरेशन रिक्वायर्स दिस एक्टिविटी बाय एन एंजाइम, इसका जो आंसर है वो बी होगा, ऑक्सीजनेज। दिस इज नॉट ए C3 प्लांट, इसमें से कौन सा C3 प्लांट नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एमेरेंथस होगा, ए होगा एमेरेंथस। बाकी सभी तो C4 प्लांट में पाया जाता है, एमेरेंथस जो है वो C3 नहीं है, एमेरेंथस C3 नहीं है, ये C4 है, बाकी सभी C3 प्लांट है, ध्यान में रखना चाहिए। विच वन हैज लोएस्ट रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, क्वेश्चन 49, विच वन हैज लोएस्ट रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, तो इसका आंसर जो है ट्रीपालमिटिन होगा। इसका जो रेस्पिरेटरी क्वेसेंट जो होता है 0.7 होता है, आप लोग इसका याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज कॉमन फॉर बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका जो आंसर वो फ्रुक्टोज सी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, आंसर ए होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये कंपाउंड जो है ये कॉमन होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विथ फर्मेंटेशन एज वेल एज TCA साइकिल, तो इसका जो आंसर होगा वो पायरुविक एसिड होगा, डी। हाउसफ्लाई शो द फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउसफ्लाई कैसा न्यूट्रिशन शो करता है, सेप्रोजोइक करता है, ये ए होगा। इट इम्प्लॉयज बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका आंसर ए होगा, हाइड्रा, ये दोनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस हैज लेंथ ऑफ, तो ये 30 फीट इसका लेंथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो है ह्यूमन में 30 फीट होता है, तो मतलब 6 से 9 मीटर के अप्रॉक्स हम ले सकते हैं, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए स्टोरिंग ऑर्गन, तो स्टोरिंग ऑर्गन इसमें से कौन सा है, तो गल ब्लैडर, बाइल स्टोर करता है ये, गल ब्लैडर, आंसर जो है इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ पेनक्रियास सिग्रेटिंग पेनक्रेटिक जूस आर, तो इसका आंसर है एसिनर सेल, ए होगा। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेगस नर्व एक्टिविटी इज गैस्ट्रिन, आंसर जो है वो सी होगा इसका, गैस्ट्रिन। हाउ मैनी स्पाइरकल्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स इन कॉकरोच, तो इसका जो आंसर है वो 2 होगा, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 59, ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC होता है, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज HbCO2, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एलर्जिक डिजीज, ब्रोंकियल अस्थमा, ये एलर्जिक डिजीज होता है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल कंटेंट इन द लिम्फ आर मोस्टली लिम्फोसाइट, इसका आंसर जो है वो सी होगा, लिम्फोसाइट। बर्ड्स एक्सक्रीट नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है बर्ड्स का वो यूरिक एसिड होता है, हम लोग का जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो यूरिया होगा, यूरियोटेलिक हम लोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय,
कहाँ से रिलीज होता है दोस्तों? हार्ट से, ए होगा, रिलीज्ड बाय हार्ट, हार्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोमेरिक एक्टिन इज कॉल्ड, मोनोमेरिक एक्टिन जो है वो जी एक्टिन होगा, जी एक्टिन हम लोग कहते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड मसल्स के पास जो है मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास। आंसर होगा जो ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट्स आर देयर, इसका जो आंसर है वो फाइव होगा, डी, पांच तरह का सिनोवियल ज्वाइंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डायग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए टाइप ऑफ IMZ, तो इसका जो आंसर होगा वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड्स फॉर द टेम्परेट जोन आर, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आंसर इज ए, 40 डिग्री टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एवरेज सॉइल द परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज अबाउट 5% होता है। आंसर इज डी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूटेड हाइड्रोफाइट, तो रूटेड हाइड्रोफाइट्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, निम्फाई, निम्फाई ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच डू पीरियोडिक माइग्रेशन, इसका जो आंसर होगा वो लोकस्ट होगा, लोकस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज कम्स फर्स्ट इन जेरिक सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन में जो है सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सा आता है? तो लाइकेन मॉस आता है, इसका सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो लाइकेन मॉस होगा, इसका ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग दीज, तो इसका आंसर फंगी, बी होगा, फंगी होगा, सबसे हाईएस्ट होता है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ स्टिमुलेंट, आंसर इसका वैलियम होगा, ये स्टिमुलेंट होता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लडिंग ऑफ फील्ड कंट्रोल्स, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, निमेटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हार्डनिंग प्लांटलेट आर केप्ट अंडर, तो प्लांटलेट आर केप्ट अंडर रेड्यूस्ड लाइट हाई ह्यूमिडिटी, आंसर जो है वो ए होगा, रेड्यूस्ड लाइट और ह्यूमिडिटी जो है इसका हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट सॉफ्टनिंग इज प्रमोटेड बाय, इसका आंसर जो है वो सी होगा, पॉलीग्लैक्टोरोनेस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर इन ह्यूमंस, फाइव होता है, आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गेन, तो एनालोगस ऑर्गेन में जो है ओरिजिन डिफरेंट और स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इसका आंसर जो वो सी होगा, एनालोगस में जो है ओरिजिन डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर जो वो सेम होता है, तो इसमें जो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, डी। दिस इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड इन सिनोजोइक पीरियड, आंसर इज ए, ब्रायोफाइटा, सिनोजोइक पीरियड में जो है इवॉल्व जो हुआ वो ब्रायोफाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज हाइएस्ट इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा।
सॉरी इसका आंसर जो है वो डी होगा। सबसे पहले किंगडम होता है, उसके बाद फिर फाइलम होता है, उसके बाद क्लास होता है। तो हाईएस्ट हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो है वो क्लास सबसे हाईएस्ट होगा, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ तुलसी? तुलसी का जो ऑर्डर है वो लैमेलियल्स है, लैमेलियल्स। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन इज एन पॉलीसेक्राइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट इज अ, तो ये बेसिडियोमाइसिट्स। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए ब्रायोफाइट्स? तो इसमें जो है लाइकोप्सिडा जो वो ब्रायोफाइटा में नहीं होता, ये टेरिडोफाइट का है, टेरिडोफाइट डिवीजन का। तो इसका आंसर जो वो डी होगा, ब्रायोफाइट्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोवाइड्स ब्राउन कलर टू द एल्गी, फ्यूकोजेंथिन। सी होगा इसका आंसर। विच वन इज रेड एल्गी? जिरिडियम। इसका आंसर जो है वो जिरिडियम होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।